कल हमारे कॉलेज में हमारा विदाई समारोह था। समय की कमी की वजह से अपनी पूरी बात आप सभी के समक्ष नहीं रख पाया था, इसलिए आज वर्चुअल माध्यम से आप सब तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विभाग अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षकगण, मेरे सभी भाई बहन, आप सबके समक्ष मेरा स्नेहशील और प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम अर्पित है, स्वीकार करें। आज हमारा विदाई समारोह है। थर्ड ईयर के सभी छात्र आज भौतिक स्तर पे तो आप सबसे जुदा हो जाएंगे, लेकिन मानसिक स्तर पे इस कॉलेज में बिताए गए एक एक पल उन पल की हंसी यादों से जुदा हो पाना, वंचित हो पाना अनंत काल के लिए हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। दोस्तों, आप सभी जूनियर्स का हमारे लिए जो भी आदर है, जो भी विश्वास है, और आप सभी गुरुजनों का हमारे पीछे जो भी प्रयास है, हमारे लिए जो भी मेहनत है, हमारे ऊपर जो भी स्नेह है, उसको मद्देनजर रखते हुए बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम किसी भी काबिल हुए तो इसमें प्रमुख सहभागिता और अहम भूमिका आप सबकी होगी। इसके लिए मैं थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों के ओर से आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। आज मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, एक गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ, इसकी चिंगारी आप सभी के अंदर प्रज्वलित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आज दोस्तों, मैं कुर्ता धोती पहनकर फेयरवेल पार्टी में आया, बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी अचंभित थी। उन्होंने कहा, ये क्या पहन के आ गए। मुझे बड़ा आहत पहुंचा ये देखकर कि जब मैं अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार अनुकरण करता हूं तो लोग मुझे हीन भावना से या देहाती समझते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लोग सूट बूट पहनते हैं, उन अंग्रेजों का अनुकरण करते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर, हमारे दादा परदादा पर अत्याचार किया, शोषण किया, उनकी हत्या की, हर तरह से परेशान किया, और उनका अनुकरण जब हम करते हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुपालन करते हैं, तो हमें स्मार्ट समझा जाता है। ये स्मार्टनेस किस काम की दोस्तों? आप समझ गए होंगे मैं भारतीय संस्कृति की तारीफ करने जा रहा हूँ, आज उजागर करने जा रहा हूँ, उसका प्रचार करने जा रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि वो मेरी संस्कृति है, बल्कि इसलिए कि वो सर्वोच्च संस्कृति है। और आज का मेरा विषय होगा भाषा, क्योंकि भाषा एक पहला आचरण है किसी भी मनुष्य का। इंग्लिश अंग्रेजी की खिलाफत मैं आज डंके की चोट पर करने वाला हूं, और संस्कृत की तरफदारी करूंगा कि क्यों संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी और सबसे ऊंची भाषा है। संस्कृत के द्वारा हिंदी ने जन्म लिया, और हम सबको हिंदी का पालन क्यों करना चाहिए, अंग्रेजी के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी दोस्तों बहुत ही रद्दी भाषा है। मेरे शब्द थोड़ा मार्मिक होंगे, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, पर अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है, गरीबों की भाषा है, क्या कहें। 5वीं शताब्दी में तो इसका जन्म हुआ, 50,000 से ज़्यादा शब्द नहीं इसमें, जोड़ तोड़ के ये भाषा बनाई गई है। कक्षा 7, 8, 9 में हम सब अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे कि दिस वर्ड हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, क्योंकि जितनी भी उस समय यूरोपियन लैंग्वेज थी वो सब मिलाकर इंग्लिश को उत्पन्न किया गया। उदाहरण स्वरूप जो वर्ड है डोर, DOOR, ये आया है लैटिन वर्ड डाउर से, DOUR, और वो आया है संस्कृत वर्ड से द्वार। सोच सकते हैं आप, जिस अंग्रेज के पीछे हम पागल हो रहे हैं वो आया है जिस भाषा से, वो भाषा को हमने दिया है। उदाहरण तौर पे एक और शब्द है डेंटल, DENTL, ये आया है ग्रीक वर्ड डेंटा से, DENTA, और ये आया है संस्कृत वर्ड दंत से, यानी कि दांत से संबंधित। हमारे संस्कृत से ही जो भाषा बनी उस भाषा से इंग्लिश बनी है, और आज हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। यिन यूं यंग यूं, ये शब्द बोलते हैं चाइनीज जब मैं चाइनीज से बात करता हूँ। इसका अर्थ है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, नो इंग्लिश, टॉक इन चाइनीज, और नहीं आती चाइनीज तो ट्रांसलेटर का प्रयोग कीजिए। एक चाइना है, वैसे तो मैं चाइना का बहुत खिलाफत करता हूँ, लेकिन इस चीज में हमें चाइना सीखने की जरूरत है, स्वाविलंब होने। चाइना है कि वो विदेशियों का व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करता, अपना वीचैट इस्तेमाल करता है, और उसमें भी अपनी भाषा इस्तेमाल करता है, चाहे विदेशियों से क्यों ना बात करना हो, आपको आती है तो करिए, नहीं तो ना करिए। और एक हम हैं कि हम विदेशियों, पश्चिमियों का व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और उतना ही नहीं, उस व्हाट्सएप में उनकी ही भाषा इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश। क्यों, आखिर क्यों? मैं जानता हूं कि इंग्लिश को एक बार में नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अपने दिलों से इसको निकाल दीजिए, जहां जरूरत हो उसका प्रयोग कीजिए, इंटरव्यूज वगैरह में, लेकिन इंग्लिश के पीछे क्यों भागना? छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनको पढ़ाया जा, उनको इंग्लिश में ही बात किया जा रहा है। अगर ऐसे ही करेंगे हम लोग तो वो तो हिंदी आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, अंग्रेजी के ही गुलाम रह जाएंगे। अब मैं अंग्रेजी कितनी मूर्ख भाषा है इसका और उदाहरण आपको देता हूँ। CUT कट, BUT बट, तो PUT पुट क्यों, उसको भी पट करो।
अगर CHOPRA चोपड़ा, यहाँ CH है तो CHEMISTRY केमिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ CH क क्यों हो जाता है केमिस्ट्री, या तो इसको भी चोपड़ा कोपड़ा कर दो या तो इसको केमिस्ट्री कर दो। लॉजिक नहीं है, ऐसा क्यों किया जाता है नहीं पता। जो ध्वनि है वो व्याकरण नहीं, जो व्याकरण है वो ध्वनि नहीं। ऑनेस्ट में एच साइलेंट क्यों होता है, और अगर साइलेंट ही रखना था तो वहां रखा क्यों। इंट्राप्रेन्योर जब लिखते हैं तो एंटरप्रेन्योर क्यों पढ़ते हैं, अगर एंटरप्रेन्योर ही पढ़ना था तो उसको एंटरप्रेन्योर ही लिख देते, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बड़े से बड़ा अंग्रेजी का वैज्ञानिक आपको नहीं बता सकता, चाहे जितना बड़ा प्रखंड ज्ञापी हो इसका। अंग्रेजी में घुमा फिरा के एक शब्द है दोस्तों, अंकल। चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल, ताऊजी को भी अंकल, पड़ोसी को भी अंकल, सबको अंकल। रिश्तों के लिए ही शब्द नहीं, क्योंकि उनके सभ्यता में रिश्तों के महत्व ही नहीं है। घुमा फिरा के एक शब्द आंट, चाची को भी, ताई जी को भी, बड़ी मम्मी को भी, मामी को भी, बुआ को भी, सबको आंट, मौसी को भी, पड़ोसन को भी, क्योंकि उनके यहाँ रिश्तों का महत्व नहीं। हमारा देश सभ्यता का देश है, हमारे पास देखिए क्या क्या है, हर रिश्ते के लिए नाम है। और आंट और आंटी में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है तो कमेंट में बताइए। दोस्तों इंग्लिश के लिए लोग मुझे सुझाव क्या देते हैं, लोगों का तर्क होता है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है इसलिए हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे बड़ी ज्ञानता की बात कुछ और हो नहीं सकती। 200 से ज़्यादा देश हैं दुनिया में, उनमें से गिन के 12-13 देश ही हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, और वो सब अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं अनुकरण करने के लिए। न्यूजीलैंड, UK, कैनेडा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, 2-4 देश और हैं, UK, USA, और बाकी जितने बड़े देश हैं सब अपनी भाषा स्वयं बोलते हैं। फ्रांस फ्रेंच बोलता है, जर्मनी जर्मन बोलता है, रशिया रशियन बोलता है, चाइना चाइनीज बोलता है, जापान जापानीज बोलता है, अफ्रीका अफ्रीकन बोलता है, अरेबिया अरेबिक बोलता है, डेनमार्क डच बोलता है, नीदरलैंड में भी डच चलता है, पोर्टुगल में पोर्टुगीज चलता है, बहुत सारे सब देश अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और हम हैं कि अंग्रेजी के पीछे पागल पड़े। अंग्रेजी सीख रहे क्यों सीखे भाई, कोई अंग्रेज हिंदी सीखता है क्या, हम क्यों उनके पीछे पागल पड़े। अपने दिलों से निकालिए, जरूरतों से नहीं, जरूरत में इस्तेमाल कीजिए। इतनी मूर्खों की भाषा है दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। सन के लिए सिर्फ एक शब्द है, सोचिए सन जहाँ जीवन उत्पन्न हो, सन के लिए सिर्फ एक शब्द। हमारे भाषा में देखिए 32 शब्द हैं सन के लिए, उसमें से तो कुछ मुझको भी पता है, सूरज सूर्य, दिनकर भास्कर प्रभाकर दिवाकर, कितने शब्द हैं। मून है सिर्फ एक शब्द इंग्लिश में, निशापति, चांद, चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, और भी कई शब्द हैं, आप देखिए तो थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। और क्यों हम अंग्रेजी के पीछे पागल हैं हमें समझ नहीं आता, हमें संस्कृत के पीछे पागल होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत से ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा कुछ हो ही नहीं सकती। इसके लिए 3 ऐसे तर्क दूंगा कि आप अचंभित रह जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया हमने एक पोयम याद की, हम कहा सुनाओ बेटा, सुनाती है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले। हम कहे इस पोयम का मतलब जानती हो, तो कहा नहीं। हम कहे अच्छा, तुम्हें किसने पढ़ाया, मैडम ने पढ़ाया, मैडम ने और बच्चों को पढ़ाया, कई मैडम हैं, करोड़ों बच्चे यही पोयम दोहरा रहे हैं, यूरोपियन पोयम है, हम सब वो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं, भगवान ने गलती से बच्चों की सुन ली और बारिश को भेज दिया तो हमारे देश का क्या होगा, उस देश का जहाँ पर 65% लोगों की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ग्रामीण लोगों में 60-70% लोग आज भी एग्रीकल्चर पर टिके हुए हैं, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्षा ऋतु पे निर्भर है, वर्षा ऋतु के दिन तय है कि इस दिन से लेके इस दिन तक ही बारिश होती है। यूरोपियन देशों में तो कभी बारिश हो जाती है, इसलिए बच्चे भगा रहे हैं। उसने कहा क्या गाएं, हमने कहा गाना है तो गाओ, काले बादल पास हमारे आओ ना, कैसे तुम पानी बरसाते हमको भी बतलाओ ना, बादल बोला प्यारे बच्चों जब जब गए, ये हमारे सभ्यता की कविताएं। अब बात करते हैं संस्कृत की, अंग्रेजी के बारे में ज्यादा बात करना भी अंग्रेजी को महत्व देना है। संस्कृत दोस्तों आज की भाषा नहीं है, सतयुग से देवी देवता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों शब्द हैं दोस्तों, इतने शब्द हैं, इतनी विविध डाइवर्सिफाइड ये भाषा है कि जो रचनाकार है संस्कृत का वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अपने शब्दों का चयन कर सकता है। उदाहरण स्वरूप एक बार एक प्रसंग है, राम जी रामेश्वरम पहुंच के भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे, तो उसके लिए वो एक स्तुति करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं ताकि वो लंका पे विजय प्राप्त कर सके, और उनकी आराधना की जो स्तुति थी
वो रुद्राष्टकम नाम से श्री रामचरित मानस में समाविष्ट की गई है। इसके शब्द हैं, नमामि शासन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निरीम निर्गुणम निर्विरल विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। उसी क्षण महासागर के दूसरी ओर लंका में लंकापति रावण भी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और उन्होंने जो स्तुति का प्रयोग किया वो उनकी स्वरचित स्तुति थी, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। उसके शब्द हैं, जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबित भुजंग तुंड मालिकम डमट 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 निनी नमा डमट डमर वय चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिव धगत 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 जल लगट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम। अब मैं किसी 4-5 साल के बच्चों को भी ये दोनों ही स्तुतियां सुना दूं और पूछूं कि बताओ इसमें से राम की स्तुति कौन सी है और रावण की स्तुति कौन सी है, तो वो तुरंत बोल देगा कि डमट 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 निनी रावण की स्तुति है। दोनों ही स्तुतियों में भगवान शिव की आराधना हो रही है, लेकिन रावण के शब्द सुनिए, राम के शब्द सुनिए, शब्दों का इतनी विविधता है, इसीलिए संस्कृत भाषा महान है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, आप दंग रह जाएंगे। प्राचीन काल में एक रचनाकार थे दंडी, दंडी ने एक कथा लिखी दश कुमार चरितम। इस दश कुमार चरितम, इस कथा में 10 राजकुमारों की कथा है। उसमें से एक राजकुमार था विष्ठुर। विष्ठुर एक बार शिकार करने के लिए गए और एक तीर आता है उनकी निचली होंठ काट देता है, ये निचला होंठ उनका कट जाता है। अब इस घटनाक्रम के बाद दंडी कई पृष्ठों में कथा को चलाता रहा, कई पन्नों में अभी कथा चल रहा है, और विष्ठुर के मुख से जो भी शब्दों का उच्चार हुआ उसमें कहीं भी दंडी ने ओष्ठांगों का प्रयोग नहीं किया। अब ये ओष्ठांग क्या होते हैं, प वर्गमाला, क ख ग घ म में प वर्गमाला जो है वो ओष्ठांग है, प फ ब भ म, और इन वर्गमाला को बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कल को कोई दंडी से ये सवाल न पूछ ले कि जब विष्ठुर का निचला होठ कट गया तो ये प फ ब भ म कैसे बोल गया, इसलिए पूरे कथा में दंडी ने ओष्ठांगों का प्रयोग ही नहीं करवाया विष्ठुर के मुंह से। इतनी विविध है दोस्तों संस्कृत, और ये सिर्फ संस्कृत में ही संभव है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप सब एक पैराग्राफ लिख के दिखा दीजिए अंग्रेजी में बिना वॉवेल्स के, एक लाइन लिख के दिखा दीजिए, संभव नहीं। ये संस्कृत है इसलिए ऐसा है। लोग मुझे कहते हैं कि प्रवीण संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं हो सकती, आम लोग संस्कृत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कहता हूं फिर इससे बड़ी मूर्खता की बात कुछ हो नहीं सकती। राजा भोज के शासन में जो निम्न स्तर के लोग थे, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय नहीं गए थे, वो संस्कृत का प्रयोग करते थे, बड़ी अच्छी संस्कृत का प्रयोग करते थे। एक बार राजा भोज गए सफर में अपने राज्य में देखने लोगों का हाल चाल कैसा है। एक लकड़हारा आ रहा था सामने से, पसीनों पसीन था, सिर पे भाल लिया था। राजा उससे पूछता है, दया ही राजा को, तो राजा पूछता है कि किमते भार बाधिते, और ये जो बाधिते शब्द है ये परिस्मय धातु का है और होना चाहिए था विस्मय धातु का, बाधिती। और ये बात लकड़हारे को पता थी क्योंकि उसको भी संस्कृत का ज्ञान था, सबको संस्कृत का ज्ञान था। राजा ने पूछा, किमते भार बाधिते, क्या तुम्हें ये भार कष्ट दे रहा है? तो जवाब में लकड़हारे ने कहा, भारम न बाधिते राजन यथा बाधिते बाधिते, मुझे ये भार उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना कि आपके मुंह से निकला बाधिते शब्द का गलत उच्चार कष्ट दे रहा है। सोचिए दोस्तों, संस्कृत इतनी लोकप्रिय रही है। ये जो धातु है संस्कृत में, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके इंग्लिश में टेंस होता है। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम संस्कृत या संस्कृत के द्वारा जन्म लिए हुए हिंदी का परित्याग करके अंग्रेजी और अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं और मानसिक गुलाम बन रहे हैं। हमें आपको इस गुलामी से आज़ादी चाहिए और आज़ादी पाना है, हमें आपको ही कदम उठाना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदी का कोई ज्ञान नहीं रखेगी, सिर्फ अंग्रेजी में बात करेगी। मैं जानता हूँ अंग्रेजी ज़रूरत है, इंटरव्यूज में चाहिए, पाठ्यक्रमों में चाहिए, IIT BHU में देखिए अब BTech जो है वो हिंदी में आ चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में आ जाएगा पाठ्यक्रमों में। तो हिंदी को हमें स्वीकार करना होगा अपने स्तर पर, जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत। मैं भी दोस्तों 15 साल इंग्लिश पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी बोलता भी हूँ, टॉप भी करता, लेकिन मुझे लगता है मैंने व्यर्थ किया।
मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात आप सबके हृदय तक पहुंचा पाई हूँ। मेरी बातें यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सभी का आभार कि आप मुझे इतना स्नेह प्रेम देते हैं। और जो भी मेरे गुरुजन ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि मैं एक विदाई समारोह में हूँ अभी भी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कल हम आपको ज़रूर खुद पे फख्र महसूस करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।